मैं अपने ज़िले के सभी सामान्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, युवा साथियों और बच्चों का भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि 21 दिन का जो लॉकडाउन का जो सरकार का फैसला है, कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए आप सबका बहुत सहयोग और समर्थन जो है वो मिल रहा है और सब लोग जो है बहुत धैर्य से काम ले रहे हैं, सब दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से कोई समस्या लोगों को ना हो, इसी कड़ी में आज लोगों की समस्याओं के ऊपर चर्चा करने के लिए जैसे इनपुट्स आ रहे हैं, फीडबैक आ रहा है, आज जिला की दूसरी जिला समन्वय समिति की बैठक जो है वो इसी सोलन के कक्ष में जो है आज हुई है और उसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत जो है लोगों को ना आए, इसका जो है वो ध्यान रखें। जहां जहां मजदूर हैं और काम करने में असमर्थ हैं, उनको कम से कम भोजन की समस्या ना हो, कोई भूखा ना सोए जिले के अंदर, तो हमने जो है इस जिले के प्रत्येक कोने में ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया है और व्यवस्था कर दी गई है कि उनके भोजन की जो है तीन समय उनके भोजन की व्यवस्था जो है वो की जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, उन्होंने जो फैसला लिया है कि 2 महीने का राशन जो है वो एडवांस लोगों को जो है अप्रैल माह में जो है वो दे दिया जाएगा, अप्रैल माह का और मई माह का, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। आज विशेष चर्चा हुई है और पहली जो हमारी समन्वय समिति की जो पहली बैठक हुई थी उसमें फैसला हुआ था कि किसानों की जो फसलें हैं, विशेष तौर से जो मटर किसान जो उपजा रहे हैं वो मंडी तक पहुंचे, उसकी पूर्ण व्यवस्था जो है वो कर ली गई है और ये बड़े हर्ष का विषय है कि किसानों की जो उत्पाद है वो मंडी में पहुंचना जो है वो शुरू हो गया है। मैं पशु चारे की जो समस्या जो है वो हमारे किसानों को ना आए, गांव में लोगों को ना आए, इसकी भी पूर्ण व्यवस्था जो है वो की गई है। प्रधानमंत्री जी का हम धन्यवाद करना चाहते हैं, उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि पशु चारे युक्त जो गाड़ियां हैं उनको कहीं भी रोका ना जाए और उनको भी जो है आवश्यक वस्तु की श्रेणी में जो है उसको डाला गया है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। एक फैसला जो सामान्य प्रधानमंत्री जी ने लिया है और हमें लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी बिल्कुल सहारा बनकर के हमारे घर में हमारे साथ खड़े हैं, उनकी घोषणाओं के माध्यम से और जो सहारा वो लोगों को दे रहे हैं उस सहारे के माध्यम से 80 करोड़ गरीब जो परिवार हैं उनको 3 महीने तक जो है 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो दाल जो है वो दी जाएगी। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए जो है अगले 3 महीने तक जिनके जनधन खाते हैं 500 रुपया प्रति माह जो है वो महिलाओं को जो है वो दिया जाएगा और किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को अप्रैल माह में जो है वो 2000 रुपया जो है वो किस्त जो है उनको प्रदान कर दी जाएगी। इन सब कार्यों के लिए हम सम्मान्य प्रधानमंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं और मैं समस्त जिलावासियों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि इसी प्रकार से आप अपना सहयोग जो है वो देते रहें, हम आपकी सेवा में बिल्कुल तत्पर हैं, कमर कस करके हम खड़े हैं और कहीं भी कोई शंका हो तो आप व्यक्तिगत मुझसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7018050774, आप इस पर संपर्क कीजिए, किसी प्रकार की समस्या जो है किसी भी नागरिक को जो है वो होने नहीं दी जाएगी, ये मैं आप सबको अपनी तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं। आप सबके सहयोग के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।